बढ़ते हैं। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है और अपनी याचिका में गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है। जल्द ही इस मामले की सुनवाई की अपील भी अरविंद केजरीवाल ने की है, चैलेंज किया है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि जिस तरह से ईडी की ओर से 10वें समन के बाद में अरविंद केजरीवाल के निवास पर पहुंचकर, हालांकि गिरफ्तारी की तलवार उनके सर पर लटक ही रही थी, लेकिन 10वां समन प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने उन्हें जारी किया, जिसके बाद उनके आवास पर पहुंची, दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचकर लगभग 2 घंटे तक उनके साथ में इंट्रोगेशन किया, लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी को लेकर और फिर रिमांड को लेकर के पीएमएलए और जिस तरह से जानकारी राउज एवेन्यू कोर्ट के जरिए सामने आई, 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल रिमांड पर ईडी की ओर से रखे गए हैं, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर चैलेंज किया है। उन्होंने तत्काल सुनवाई के लिए गुहार लगाई है। उन्होंने ये भी कह दिया है, उनकी ओर से जो बयान वकील की ओर से सामने आया, उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी और उनकी रिमांड दोनों ही गैर कानूनी ढंग से की गई है। ऐसे में देखना ये जरूरी होगा कि अरविंद केजरीवाल जो कि अब दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, वहां से किस हद तक राहत अरविंद केजरीवाल को मिल पाती है। बहरहाल दूसरी ओर सियासत के नजरिए से अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के सड़कों पर उतर आई है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने एक वीडियो रिलीज करके अपने मन के भावों को कहा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के शब्द हैं कि भले ही वो जेल के अंदर रहें या फिर जेल के बाहर, लेकिन अपने दायित्व को निभाते रहेंगे। कानूनी लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, दायर याचिका में अपनी गिरफ्तारी को, रिमांड को भी गैरकानूनी बताया है और जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई की अपील अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई। तो वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी की टिप्पणी सामने आई है। विदेश मंत्रालय जर्मन की ओर से टिप्पणी की गई और उस पर कड़ा ऐतराज जताया गया। केंद्र सरकार ने जर्मन दूतावास के उप प्रमुख को तलब किया है, इस मामले को भारत का आंतरिक मुद्दा बताते हुए विरोध दर्ज करवाया। जर्मन विदेश मंत्रालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की थी। विदेश मंत्रालय ने हमारी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप इसे बताया, जिसके बाद में जो जर्मन दूतावास के उप प्रमुख है उन्हें तलब किया गया। देखिए, देश भर और देश के बाहर भी इस मुद्दे को लेकर के लगातार सुर्खियां सामने आ रही है। अखबारों की सुर्खियां अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा देश के बाहर भी बन रहा है और जर्मनी से भी एक टिप्पणी सामने आई। जर्मन विदेश मंत्रालय की ओर से जो टिप्पणी की गई उस पर कड़ा ऐतराज केंद्र सरकार की ओर से जताया गया। उन्होंने कहा कि आंतरिक मुद्दा है, इसमें हस्तक्षेप करने का किसी को भी ना तो अधिकार है और ना इस चीज की जरूरत है। आंतरिक मुद्दा बताते हुए विरोध दर्ज करवाया गया केंद्र सरकार की ओर से और जर्मन विदेश मंत्रालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जो टिप्पणी दी थी उसे बताया कि ये आंतरिक मुद्दा होने की वजह से हस्तक्षेप देने के लिए योग्य नहीं है। हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 6 बागी विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त, लखनपाल और देवेंद्र कुमार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा, केएल ठाकुर और होशियार सिंह भी भाजपा में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी का साथ थामना, भारतीय जनता पार्टी के साथ में आगे बढ़ना, ये उन्होंने कारण बताया। लेकिन चुनावी नजरिए से देखा जाए तो हिमाचल कांग्रेस को बीते कुछ दिनों पहले एक बड़ा झटका लगा था और उस बार जिस समय ये बड़ा बदलाव सियासी तौर पर हुआ था, तब ये जानकारी भी अटकलों के तौर पर सामने आ रही थी कि क्या सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में अब कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश में 6 बागी विधायक जो कि लगातार बगावत के स्वर तेज कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त, लखनपाल और देवेंद्र कुमार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनावों से पहले गुजरात से खबर है, भाजपा के 2 लोकसभा उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वडोदरा से रंजन भट्ट और साबरकांठा से भिकाजी ठाकुर अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। रंजन भट्ट को वडोदरा से 3री बार उम्मीदवार बनाने का विरोध हुआ था। वडोदरा में रंजन भट्ट के खिलाफ पोस्टर्स और बैनर्स भी चस्पा किए गए। भाजपा की महिला शाखा के उपाध्यक्ष ज्योति बेन ने इस्तीफा भी उनकी उम्मीदवारी पर दिया था। रंजन बेन भट्ट ने अपने एक्स अकाउंट पर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की। इंस्टाग्राम पर भिकाजी ठाकुर ने भी चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की।
लोकसभा चुनावों में दांव पर प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों की हैसियत भी है। क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं के सामने अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश, बिहार में तेजस्वी, झारखंड में हेमंत सोरेन, तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु में पनीर सेल्वम, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है। इतने वर्षों तक उन्होंने जो प्रयत्न किए, जिस तरह से अपनी पार्टी को जनता के बीच लेकर पहुंचे, जनता के साथ जुड़ाव बनाया, क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लिहाजा जनता के बीच में लोकप्रियता भी ज्यादा, लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही ज्यादा। ये चुनाव इन क्षेत्रीय दलों के लिए, खास तौर पर सभी के लिए, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है, प्रतिष्ठा इन सभी के दांव पर। महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के सामने भी चुनौती इस बार तेज है। राज्यपाल कलराज मिश्र की होली और धुलंडी पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। राज्यपाल ने कहा कि होली रंग अबीर के जरिए उमंग और उत्साह का पर्व है। होली परस्पर सद्भाव से मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देने वाला पर्व है। ये भक्त प्रह्लाद की भक्ति की विजय के रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। राज्यपाल ने उत्साह से इस पर्व पर सभी के मंगल की कामना भी की। राजभवन में अर्थ आवर डे पर 1 घंटे बिजली रहेगी बंद। आज रात 8:30 से 9:30 बजे तक बिजली के उपकरण 1 घंटे के लिए बंद किए जाएंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों से अपील भी की। राज्यपाल ने अर्थ आवर डे में सहभागिता के लिए सभी से अपील की, कहा कि इसे सामूहिक तौर पर ऊर्जा संरक्षण की दिशा में अगर किया जाएगा तो एक सार्थक पहल होगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सभी की बड़ी पहल होगी। 1 घंटे के लिए रात में अपने सभी बिजली उपकरणों को शटडाउन कर देने पर सामूहिक तौर पर इतने बड़े पैमाने पर जो बिजली बचेगी वो आने वाले दिनों में काम आएगी, और उससे अर्थ आवर डे जो संकल्पना के साथ मनाया जा रहा है वो भी संकल्पना पूर्ण हो पाएगी। राजस्थान रॉयल्स के पदाधिकारियों ने की सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात। सीईओ तथा उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को आईपीएल का गोल्डन पास भेंट किया। राजस्थान रॉयल्स के सीईओ जयेश लश मैक्रम में उपाध्यक्ष राजीव खन्ना ने मुलाकात की। तस्वीर आप देख रहे हैं, मुलाकात की तस्वीर ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। जैक एवं खन्ना ने सीएम को आईपीएल का गोल्डन पास भी भेंट किया। दरअसल जयपुर में आयोजित होने वाले राजस्थान रॉयल्स के मैच को देखने के लिए उन्हें इन्वाइट किया गया। खेल व युवा मामला मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी इस दौरान मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि जयपुर में राजस्थान रॉयल्स के 24, 28, 6 तारीख 6 अप्रैल सहित कुल 5 मैचेस होने वाले हैं। ईआरसीपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर देखते हैं। लेट हो सकता है सरदा बांध प्रोजेक्ट। ईआरसीपी प्रोजेक्ट का छठा पड़ा भी सरदा बांध है जिसकी देरी संभावित है। दरअसल किसानों को मुआवजे की मांग पर बांध का निर्माण कार्य अब तक बंद पड़ा है। अर्दन डैम का काम पिछले 8 मार्च से बंद पड़ा है। ठेका कंपनी का इस पर कहना है कि कहा समय पर काम होना मुश्किल है। ठेका कंपनी को जनवरी 2025 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की डेडलाइन तो दी है, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने ठेका कंपनी ने ये वादा भी किया। बिसलपुर के डाउन स्ट्रीम में बांध बनाया जा रहा है, मुख्य तौर पर दौसा और सवाईमाधोपुर को पेयजल का लाभ मिलना है। इसमें जलदाय विभाग और जल संसाधन विभाग की संयुक्त परियोजना हो सकता है कि इस बार इस वजह से देर स्पेर हो जाए, क्योंकि 8 तारीख से कार्य बंद है, और ऐसे में जो 2025 तक इसे पूरा करने का टारगेट है ईसरदा बांध परियोजना, इसमें देरी हो सकती है। इस बार कई महायोगों में होगा होलिका दहन। इस बार सर्वात सिद्धि और रवि योग में होगा होलिका दहन। 24 मार्च को होलिका दहन 1:20 का मुहूर्त होगा। रात्रि 11:15 से मध्यरात्रि 12:33 के बीच होलिका दहन का समय है। भद्रा सुबह 9:56 से शुरू होकर मध्यरात्रि 11:13 तक रहेगी, और सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:34 से अगले दिन सुबह 6:39 तक रहेगा। रवि योग सुबह 6:20 से सुबह 7:34 तक रहेगा। 25 और 26 मार्च को नहीं होंगे खाटू श्याम जी के दर्शन। फाल्गुनी मेले के बाद खाटू श्याम जी मंदिर में 2 दिन मंदिर बंद रहने वाला है। खाटू
श्याम जी मंदिर दो दिन के लिए बंद होगा। 24 मार्च की रात 10 बजे शयन आरती के साथ बाबा श्याम के पट मंगल हो जाएंगे और 25 मार्च को बाबा श्याम की विशेष पूजा के चलते पट बंद रहेंगे। 26 मार्च को लगातार के तिलक श्रृंगार के कारण पट बंद रहेंगे। 27 मार्च की सुबह 5:30 बजे से शीर्ष के दाने के दर्शन एक बार पुनः शुरू होंगे। फाल्गुनी मेले के चलते श्याम भक्तों के लिए लगातार दर्शन खुले हुए थे और इस बार फागुन के मेले में करीब 35 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन किए। इस बार प्रदेश में होली पर 9 जिलों में बारिश का अलर्ट भी है। दरअसल कल हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। बीकानेर जयपुर संभाग के अलवर भरतपुर जयपुर झुंझुनू सीकर बीकानेर चूरू हनुमानगढ़ और गंगानगर में इसका असर होगा। सिस्टम के असर से इन जिलों में बादल छाएंगे, हल्की बारिश भी होने की संभावना है। हो सकता है कहीं कहीं गरज चमक के साथ में हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी हो। हालांकि सिस्टम के प्रभाव से तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन 26 मार्च की शाम से 27 मार्च तक एक दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। जोधपुर बीकानेर और जयपुर संभाग के जिलों में सिस्टम का असर नजर आ सकता है। इन जिलों में आसमान में बादल छाने के साथ कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है।